नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जितने सारे कंपनीज के बारे में मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर पाऊँ वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे कंपनीज के बारे में। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है IRFC। देखिए, रेलवे के एक 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 बेहतरीन कंपनी है जिसका नाम है IRFC। IRFC के सबसे दो पॉइंट्स मुझे हमेशा बेस्ट देखने को मिलता है। पहली बात, ये सिर्फ रेलवे गवर्नमेंट को ही लोन देते हैं। दूसरी बात, एक ऐसे कंपनी है जिसका एनपीए का रेशियो, एनपीए का जो रेशियो है वो जीरो है, एटलीस्ट पूरा के पूरा जीरो है। मतलब मार्केट में कोई भी पैसा इसका उधारी में नहीं, मतलब पैसा एनपीए के हिसाब से नहीं देखने को मिलता है। अब एनपीए होता क्या है? एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक और फाइनेंस कंपनी क्या करते हैं, कस्टमर को लोन देते हैं, कॉर्पोरेट को लोन देते हैं। तो जो लोन कस्टमर को दिया गया, मान के चलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे तीन व्यक्ति को लोन दिया गया और तीनों को 100-100 रुपीज करके लोन दिया गया। तो अभी एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे दो व्यक्ति अगर लोन आपको मिटा पाए टाइम टू टाइम तो ठीक है। अगर थर्ड नंबर व्यक्ति बता रहा है कि मैं पूरा लोन आपको मिटा नहीं पाऊंगा, मैं आपको 50% पैसा दे पाऊंगा, मतलब 50 रुपीज दे पाऊंगा, बाकी 50 रुपीज में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा पैसा मतलब बिजनेस खत्म हो चुके हैं, बिजनेस बंद हो चुके हैं और मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो ये जो 50 रुपीज आपको कम मिल रहा है वो ही उस फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर एक एनपीए बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा, जो एसेट इसका परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है, जिसका एनपीए का परफॉर्मेंस IRFC का 100% वो मार्केट से पैसा उठा पा रहा है, इसका एनपीओ रेशियो जो है वो जीरो है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी है जो मैं आपको बता दूं, RBNL, IRFC एंड रेलटेल, इस तीनों कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया। इस तीनों कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न ऑलमोस्ट मतलब रिटर्न दे चुके हैं, ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दे चुके हैं, और वो भी 2 सालों के अंदर अंदर। तो 2 साल भी नहीं हुआ तो उससे पहले ही कंपनी 300% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। तो इस तरीके से रिटर्न रेलवे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर इसीलिए देखने को मिला क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं रेलवे कंपनीज के ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर रेलवे कंपनीज के ऊपर आपको निवेश करना है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि उस रेलवे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर फ्यूचर का विजन क्या है और उसको कितना प्रोजेक्ट मिला और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बहुत बेहतर है तो इंस्टीट्यूशन भी ज्यादा दिखेगा, तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ज्यादा जरूर दिखेगा। कब दिखेगा? जब प्रोमोटर इसका माल बेचेंगे। तो प्रोमोटर के पास अराउंड 86% के आसपास होल्डिंग्स है, जो होल्डिंग्स इसको बेचना पड़ेगा। तो अभी कहने का मतलब है कि इस परसेंटेज होल्डिंग अगर बेचेंगे तो कितना परसेंटेज बेचना पड़ेगा, सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा किसी भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। अभी एक बात को याद रखना कि 75% का होल्डिंग से ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए, मतलब इसका कितना शेयर बेचना पड़ेगा, अराउंड 11.36% के आसपास। तो इतना स्टेक जब बेचेंगे क्या आपको क्या लग रहा होगा, क्या पब्लिक इस कंपनी के शेयर खरीदे करेंगे? बिल्कुल नहीं, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी का हिस्सेदारी उठाएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर दो चीज मुझे बेस्ट लगा, वो है कैश फ्लो। आप देखेंगे तो नेगेटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव रहेगा क्योंकि कोई भी फाइनेंस कंपनी और कोई भी बैंक्स हाथ में कैश लेकर नहीं चलते हैं। वो जितना पैसा हाथ में आए बिजनेस करने के बाद वो सारे पैसे को फिर से वो लोन के हिसाब से कस्टमर को दे देते हैं, मतलब जिसको लोन वो देते रहते हैं उसी को लोन वो दे देते हैं, जिसके चलते हैं कंपनी के ऊपर जो कैश जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो हमेशा आपको नेगेटिव दिखेगा। तो अच्छी बात है। अभी आपको ये देखना है कि कंपनी ने कितना कर्जा लिया था, क्या वो कर्जे को रिपेमेंट किया, आप वो देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, मतलब कंपनी कितने बोरिंग्स लिए थे, करीबन 8,000 करोड़ के आसपास, अगर कंपनी रीपेमेंट के हिसाब से बोरिंग्स को नहीं चुकाया तो जितना पहले कर्जा लिया गया उस कर्जे को कंपनी रीपेमेंट नहीं किए, तो इसका मतलब डेप्थ लगातार बढ़ते चले गए। और इसीलिए यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, जो बोरिंग्स है तो पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कुछ बोरिंग्स नहीं देखने को मिला था, मगर लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी ने कर्जा लिया खुद के बिजनेस के ऊपर, नहीं खुद के बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, वो कर्जा कंपनी रीपेमेंट नहीं किया, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए वो कर्जा यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन ले रहा है, इसमें कुछ बुराई नहीं है।
और लोन लेने के बाद कंपनी प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट होता देखने को मिलेगा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 100% के आसपास है, इसका मतलब कंपनी में एक दम है, एक पोटेंशियल है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिलेगा। और कंपनीज के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से कब बना, और मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे कोई एक बार अगर कोई हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो कब हुई थाने पैटर्न कन्फर्म करेगा, और उसके बाद एक ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट में मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लूंगा। तो इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक हैंडल चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए मतलब ये मत इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी मुझे दे देंगे, शेयर मुझे दे देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। मुझे चाहिए मतलब अगर बनेगा तो मैं टेल लूंगा। तो आपकी क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है UPL। UPL के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा, क्योंकि UPL इंडिया के फर्स्ट लार्जेस्ट केमिकल कंपनी हुआ करता था, और वो भी एग्रो केमिकल्स मतलब पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी था। आज कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट बन चुके हैं, क्योंकि इस सेक्टर में नंबर वन पोजीशन में पहुंच चुके हैं PI इंडस्ट्रीज, जिसका मार्केट कैप करीबन 52,000 करोड़ अराउंड आप बोल सकते हैं 53,000 करोड़ के आसपास। तो इस लेवल का कंपनी का आपको PI इंडस्ट्रीज की ग्रोथ देखने को मिलेगा। उस बेसिस में UPL के ऊपर मार्केट कैप दिखा दूं तो 44,000 करोड़ के आसपास है, और UPL के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। इतना कर्जा क्यों लिया गया अभी दिखाऊंगा, उससे पहले एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो अनाउंसमेंट क्या है आप देख सकते हैं, UPL शेयर इज इन फोकस टूडे, मतलब फोकस करने के लिए बोला गया, और किस लिए बोला गया, क्योंकि फार्म टू रेज 4,200 करोड़ वाया राइट इश्यू। अभी देखिए राइट इश्यू होता क्या है, अभी देखिए राइट इश्यू कुछ इस तरीके से मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, आपको मतलब समझ में आए तो इसलिए मैं एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ। मान के चलिए मेरे पास कुछ देखा जाए तो फंड, मतलब फंड में रेज करने वाला, मतलब फंड मुझे चाहिए, मुझे मार्केट से फंड उठाना है। फंड उठाना है मतलब क्या है, मैं बैंक से भी लोन ले सकता था, मगर बैंक से अगर लोन लूं तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि आप मुझे कुछ मतलब पैसा दीजिए, उसके बदले में आपको कुछ शेयर देने वाला हूँ, आपके मेरा मतलब जो कंपनी के जो एसेट है वो आपको देने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से कुछ नजरिया आपको देखने को मिलेगा राइट इशू के ऊपर। तो राइट इशू एक्चुअली आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से डेटा। आप देखेंगे कि ए राइट इशू इज एन इनोवेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेजिंग एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी, मतलब कुछ न्यू शेयर खरीदारी करने के लिए इस तरीके से कुछ 4,200 करोड़ का टोटल राइट इशू लेके आ रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, मतलब कंपनी खुद फार्म के लिए राइट इशू लेके आ रहा है, और इसमें कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस अच्छा खासा दिखेगा। क्योंकि देखिए मेरे पास अगर 50% होल्डिंग है, अगर मैं फिर से मार्केट से शेयर खरीदना चाहता हूँ तो कंपनी तो बाकी लोग तो मेरे ऊपर भरोसा करेंगे ना, क्योंकि मैं खुद शेयर को खरीदारी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कुछ राइट इश्यू बायबैक इस तरीके से लेके आते हैं कंपनीज। तो इस कारण के वजह से शेयर में एक पिछले दिनों से एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिला है। अगर मैं चार्ट पैटर्न अभी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सेल्स में कमियां देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्स इसीलिए कम हुआ क्योंकि आप सभी जानते हैं मार्केट में केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो डिमांड थोड़ा सा घट चुके हैं, और डिमांड घटने के कारण शेयर में एक मतलब मैसिव करेक्शन देखने को मिला, और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इतने दिनों में जो कंपनी प्रॉफिट कर रहा था फर्स्ट टाइम कंपनी लॉस में कन्वर्ट हो गया। और इस लॉस होने के बाद भी लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ा, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, चाहे वो FIS हो, चाहे DS हो, चाहे पब्लिक हो। आपको लग रहा होगा कि FIS ने सर माल तो बेचा 38% से अभी 33% हो चुके हैं, उसका फायदा किसने उठाया, पब्लिक ने उठाया और DS ने उठाया। तो DS ने भी होल्डिंग को ऐड किया और पब्लिक ने भी होल्डिंग को ऐड किया। बाकी प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था पहले तो कम था, 27% के आसपास, वो होल्डिंग बढ़ के हो चुके हैं 32% के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी का एक टाइम डंका बजता था, आज कंपनी के सिचुएशन थोड़ा सा करेक्शन हुआ, इसका मतलब कंपनी बेकार नहीं हो गया। कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर लगातार एक सेल ऑफ सिचुएशन देखने को मिला, कंटिन्यूसली एक स्ट्रांगली वो रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आ रहा है। और मैं जरूर कहूंगा जिस तरीके से वो करेक्शन मूवमेंटम दिखा रहा है, मुझे लगता है वो इजी तरीके से इस लेवल को रिटेस्ट करेगा। अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन करे, कौन सा लेवल 538 लेवल को अगर ब्रेकडाउन करे तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा और 416 लेवल तक आने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर क्या ये लेवल फिक्स्ड है, तो इसके ऊपर एग्जिट करूं, बाय करूं, सेल करूं? प्लीज
ऐसे मत करिए, क्योंकि ये मेरा प्रेडिक्शन है। जो लेवल्स बन रहा है वो लेवल्स में कहां से दे रहा हूँ, प्रीवियस जो स्विंग रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, वो ही लेवल आपको मेंशन कर रहा हूँ। ये मेरे खुद के मन से कोई लेवल आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। आप खुद ही इस लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं, खुद ही इस लेवल को चेकआउट कर सकते हैं। ये लेवल एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, इसलिए वो सपोर्ट बना, और ए लेवल एक स्ट्रांगली सपोर्ट था, वो फिर से यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सारे चीजों को सीखने का जरूरत है। जो लोग सिर्फ बाई सेल, कौन सा स्टॉक में बाई दे रहा है सर, कौन सा स्टॉक में सेल दे रहा है, ये देखकर देखने के लिए आया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज मार्केट से कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आपको सीखने का और टाइम देने का जरूरत है। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है, और 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था, 1907 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। टाटा स्टील सिर्फ इंडिया नहीं है, एशिया में सबसे बड़ा और लार्जेस्ट प्राइवेट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी की एक खासियत पॉइंट है, कंपनी टोटली चेन सिस्टम के माध्यम से काम करते हैं। अभी चेन सिस्टम होता क्या है, कंपनी खुद आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो कंपनी क्या करते हैं, कंपनी खुद माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, माइनिंग भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं, और उसके साथ साथ कंपनी प्रोडक्शन भी करते हैं, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और प्रोडक्ट को फिनिश भी करते हैं। इसका मतलब हर प्रोडक्ट्स के डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेगा, कंपनी हर बिजनेस को एक साथ जोड़कर रखा है, मतलब हर बिजनेस का जितने सारे कैटेगरीज है उसको एक साथ जोड़कर रखा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कंपनी के आगे बढ़ने का, टाटा स्टील के एक बहुत बड़ा टारगेट भी है। अब सब जनते टाटा ग्रुप हमेशा टारगेट लेकर चलते हैं, तो इसका टारगेट क्या है, 30 मेट्रिक टन पर एनम, और वो भी कब, 2025 में। तो टोटल जो कैपेसिटी है और जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए कंपनी कितना टारगेट रखे, 30 मेट्रिक टन पर एनम बाई 2025। तो एक बहुत बड़ा टारगेट है, और मुझे लगता है इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, और काम जब होगा तो एक्सपेंस तो होगा ही, तो एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले साल में प्रॉफिट हुआ था, इस बार कंपनी लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअली कंपनी का कुछ लॉस नहीं हुआ, कंपनी का आधा इनकम से लॉस हुआ है। कंपनी का कोर बिजनेस मतलब मदर बिजनेस में कंपनी के ऊपर कोई भी लॉसेस नहीं है, कंपनी छोटा मोटा प्रॉफिट को कम किया मगर कंपनी में कोई लॉसेस नहीं है। तो इसलिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो रेशियोज के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो रेशियोज है आप देखेंगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो बहुत इंपॉर्टेंस है वो 66 डेज देखने को मिला है। कैश कन्वर्जन साइकिल्स का मतलब क्या है, कोई प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है, उस प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल करेंगे, सेल करने के बाद फिर से हाथ में घूम फिर कर पैसा आएगा, और वही पैसा जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदे की है उसको देंगे। तो ये जो साइकिल्स प्रोसीडियर है, इस साइकिल्स को कंप्लीट होने में कितने दिन लग रहा है, 66 डेज, जो पहले 99 डेज लग रहा था। तो एक अच्छी बात है, जितना कम दिन लगेगा उतना ही बेस्ट माना जाएगा। तो रहते हैं कंपनी के जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज 40-46% के आसपास है, मतलब एक अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है। क्यों डिलीवरी उठाया जा रहा है, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स में कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना, कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, तो फाइनली कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद एक ब्रेकआउट लेवल अच्छा खासा देखने को मिला, यहाँ पे ब्रेक हुआ और कन्फर्मेशन यहाँ पे मिला, और उसके बाद देखिए ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट भी हुआ, और देखिए धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो जो टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ वो टारगेट मेरा है 162 रुपीज के आसपास, एटलीस्ट अगर यहाँ तक टारगेट बने तो मुझे 34% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी कम मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो तो किसी को पता नहीं है। अगर यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर सोच समझ कर प्रेडिक्शन करके ही काम करें। लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, 29 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाले हैं, हर एक के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।